आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आज उत्तराखंड के नैनीताल जिले के विकासखंड कोटाबाग में श्रम विभाग द्वारा एक मेले का आयोजन किया गया। जिसमें साइकिल, सिलाई मशीन, सैनिटरी पैड, छाता, कंबल आदि वितरित किया गया। विकासखंड कोटाबाग के सभी गांव के लगभग 472 लोगों ने इस सुविधा का लाभ लिया। श्रम विभाग मेले का आयोजन कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत द्वारा किया गया। कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत द्वारा बताया गया कि जिन व्यक्तियों को सामान की पूर्ति नहीं हुई है उन्हें 10 से 15 दिन के भीतर दूसरा कैंप लगाकर सामान वितरित किया जाएगा। न्यूज 9 भारत के लिए उत्तराखंड से ललित भट्ट की रिपोर्ट। आज हमने यहां पर निर्माण पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार बोर्ड के अंतर्गत जो सामान वितरण है वो किया जा रहा है। जितने भी पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं उनको साइकिल, सोलर लालटेन, सिलाई मशीन, छाता, कंबल और सैनिटरी पैड इत्यादि का वितरण हम आज यहाँ पर कर रहे हैं। ये कोटाबाग जो ब्लॉक था इसमें बहुत समय से सामान का वितरण नहीं हो पाया था। बहुत सारे नए पंजीकृत श्रमिक थे और पुराने भी थे जिनको सामान का वितरण अभी तक नहीं हो पाया था, हमने उनका यहाँ पर वितरण किया है। हमारे यहाँ पर स्थानीय विधायक माननीय कैबिनेट मंत्री श्री बंसीधर भगत जी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और उन्होंने यहाँ पर काफ़ी उत्साहवर्धन किया हम लोगों का भी और सभी लोगों का, और उनके अध्यक्षता में हमने ये कार्यक्रम किया है और यहाँ पर लगभग 500 लोगों को, 500 निर्माण श्रमिकों को हम ये सब सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं ये लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि इसके अतिरिक्त ई श्रम पोर्टल पर भी हमारे असंगठित क्षेत्र कामगारों के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। निर्माण श्रमिकों के अतिरिक्त भी अन्य क्षेत्र के जो श्रमिक हैं जैसे ठेला रेहड़ी वाले हैं, स्वनियोजन में लगे हुए हैं, कृषि कामगार हैं, मनरेगा वर्कर हैं, ये सब ई श्रम पोर्टल पर CSC केंद्र के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। मंडल के कार्यकर्ताओं के आग्रह पर यहाँ श्रम विभाग द्वारा यह कैंप लगाया है जिसमें लोगों को जो श्रमिक हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको सामान मिल रहा है, विभिन्न प्रकार का साइकिल मिल रहा है, लालटेन मिल रहा है, कंबल मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। आज 500 लोगों की सामग्री यहाँ पर है। अगर यहाँ श्रमिक ज़्यादा होंगे, रजिस्ट्रेशन ज़्यादा लोगों का होगा तो दो दिन बाद फिर आकर के कैंप लगेगा और फिर उनको बांटा। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।